Because then they go like, ये ऑडी में नहीं आएगा, ये BMW में आएगा. उठी देखो थोड़ी देर बाद उठी. BMW का एक्सीडेंट भी होता है कहता, जो लोग अचानक रैस चलाने की कोशिश करते हैं कहता, और वो इतने अंडरस्टैंडिंग है, इतने सेंसिटिव नहीं होते. थोड़ा सा मैं शायद खुद भी हिल गया, बट फॉर एग्जाम्पल मुझे बहुत रिसेंटली अभी पता लगा कि BMW X1 है जो लेटेस्ट, उसका भी स्टीयरिंग बहुत ज्यादा हार्ड है. बट इन्होंने जो सेडान्स थी उसका स्टीयरिंग 2011-12 के बाद लाइट करना शुरू कर दिया था. BMW के अंदर प्योर जॉय है. बेस्ट स्टार्टर लग्जरी कार्स. सो अगर आपको इन लग्जरी गाड़ियों में जाना है तो ये गाड़ियों में आप बहुत इजीली जा सकते हो. कॉकपिट सेफ है तो आई डोंट थिंक कुछ हुआ होगा. तो BMW की बहुत तगड़ी इंजीनियरिंग वाली चीज है जो वो बहुत एडवर्टाइज करते हैं. दैट्स 50-50 वेट डिस्ट्रीब्यूशन. जैसे अगर हम एक 25-30 हज़ार गाड़ी चली ले रहे हैं तो उसके लिए हमारे लिए 30,000-40,000 बहुत है, क्योंकि आपके टायर्स चेंज हो सकते हैं. हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू वर्जिन राइड्स एंड अनदर एपिसोड. सो ये थोड़ा सा स्पेशल है एज ऑल अदर एपिसोड्स. तो पहले तो यार सॉरी बिकॉज ये थोड़ा सा लेट हो गया, बिकॉज लास्ट हफ्ते पता नहीं क्या तूफान हवा चल रही थी यहाँ पंजाब में एंड वायरल हुआ बड़ा सब कुछ, और मैं बाहर था. सो सॉरी, दो एवरी सैटरडे आई शूट अ वीडियो एंड अपलोडेड, वो नहीं कर पाया. सो दिस इज अ BMW 320D और ये वन ऑफ द वेरी 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 पॉपुलर कार्स है. और आपने देखा होगा यार कि मेरी सारी गाड़ियों को पॉपुलर है, बिकॉज मैं अपने कस्टमर्स को पॉपुलर जर्मन गाड़ियाँ ही दिलाता हूँ ताकि उनको बाद में इशू ना आए, उसको रिपेयर कराने में, मेंटेन कराने में, किसी चीज़ में कराने में. तो ये बहुत स्पेशल क्यों है उसके मैं कारण धीरे 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 इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा. बट थोड़ा सा इसके डील के बारे में बता देता हूँ कि अब मैंने रियलाइज करा कि हाँ, मैं गाड़ी बाहर से नहीं दिखाऊंगा क्योंकि गाड़ी का नंबर पता लग जाता है. और प्रॉब्लम यह है कि व्यूअर्स गाड़ी का प्राइस जानना चाहते हैं, बिकॉज प्राइस एक स्टोरी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. और जो बायर है जिसने गाड़ी ली होती है वो चाहता है कि मेरी गाड़ी के बारे में प्राइस नहीं बताओ. तो बेटर ये है कि मैं गाड़ी चलाऊं, आपको गाड़ी का सारा रिव्यू दूं, बट पता ना लगे कि एक्चुअली वो कौन सी कार की बात हो रही है, और मैं आपको साथ में प्राइस भी बता दूं. सो दिस इज अ BMW 320D 2013 मॉडल, और ये हमें गाड़ी पड़ी 6,30,000 रुपए में. एंड यस, दिस इज अ वेरी शॉकिंग प्राइस. सबको मुश्किल लगेगा, सबको अनबिलीवेबल लगेगा एंड एवरीथिंग, बट दैट इज द लाइक पर्क्स ऑफ हायरिंग मी. बट दिस वॉज अ 67-68,000 चली कार, और इसमें यह था कि डेफिनेटली जब हम एक 60-70,000 चली गाड़ी लेते हैं तो हमें थोड़ा सा मेंटेनेंस के लिए जो कुशन होता है वो बजट थोड़ा सा ज्यादा रखना पड़ता है. जैसे अगर हम एक 25-30 हज़ार गाड़ी चली ले रहे हैं तो उसके लिए हमारे लिए 30,000-40,000 बहुत है, क्योंकि आपके टायर्स चेंज हो सकते हैं. टायर्स भी मैं 10-15,000 में जैसे करा देता हूँ. ब्रेक पैड का रबड़ चेंज हो सकता है, या बहुत छोटी मोटी चीजें चेंज होती हैं. बट अगर आपकी गाड़ी 60-70,000 चली हुई है तो उसके अंदर मेजर सर्विस एक्सपेंस भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, सस्पेंशन ओवरऑल करानी पड़ सकती है, ब्रेक पैड ऑब्वियसली दोबारा चेंज कराने पड़ सकते हैं, और इंजन के अंदर छोटी मोटी चीजों के इश्यूज आ जाते हैं, जैसे EGR वाल्व ब्लॉक्ड होती है या अपना टाइमिंग चेंज में प्रॉब्लम होती है. तो इसके करके आप 60-70-80 हज़ार का बजट लेके चल सकते हो. तो ये गाड़ी जब हम चेक करने गए, ये गाड़ी हमने, ये भी नहीं बताऊंगा, चलो मैं बता दूं, मैंने देहरादून से पिक करी. तो देहरादून से कार उठाई, वहां पे गए, इट वाज अ डायरेक्ट कस्टमर कार. कस्टमर से बात हुई, कस्टमर से बहुत अच्छा रिलेशन बन गया. जिसके लिए मैंने गाड़ी ली उसके साथ मेरा अच्छा रिलेशन है, अभी भी है, पहले था भी और अभी भी है. तो 6,30,000 की हमें कार पड़ी. तो जो सारा मेरा डायग्नोसिस निकला वो ये निकला कि इस गाड़ी की सस्पेंशन में काफी इश्यूज थे, वो चेंज होने वाली थी. बट अदर देन दैट गाड़ी जेन्युइन चली थी, ओरिजिनल चली थी. ये GTA खेलते खेलते क्रेटा जी आपको देखेंगे अभी यहाँ पे. आई जस्ट होप दैट एवरीवन इज सेफ, कॉकपिट सेफ है तो आई डोंट थिंक कुछ हुआ होगा. सो यस, एयरबैग्स खुल गए हैं. बट तो आपको लगता है यार कि हाईवे पे या इतनी प्लेन सड़कों पर भी गाड़ियाँ इधर उधर के पहुंचे होते हैं, उसका कारण ये है कि लोग अपनी गाड़ी मेंटेन नहीं करते. एक तो हवा को ही चेक नहीं कराता, टायरों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिसके कारण गाड़ी इतनी बैलेंस होती है. तो लोगों को लगता है उस गाड़ी में बैठो और रेस दे दो, कि हमने देखा था कोई और रेस दे रहा था तो हम भी रेस दे देंगे. मोस्ट स्टूपिड पीपल दैट आई हेट दैट, उनको लगता है कि गाड़ियाँ अपने आप तेज चलती हैं. तो एनी हाउ, हम बात करेंगे उस बारे में. बट 320D सबसे ज़्यादा स्पेशल क्यों है, बिकॉज जितनी भी ये लोअर लेवल वाली गाड़ियाँ हैं, BMW की 3 सीरीज, उसमें डीजल 320D, Mercedes की सी क्लास C220D एंड देन ऑडी की A4 नॉर्मल A4 डीजल, तो ये तीनों गाड़ियाँ आर एक्चुअली द बेस्ट स्टार्टर लग्जरी कार्स. सो अगर आपको इन लग्जरी गाड़ियों में जाना है तो ये गाड़ियों में आप बहुत इजीली जा सकते हो, और ये बहुत सस्ती मिल जाती हैं, और आप इनसे अपनी लग्जरी जर्नी शुरू कर सकते हो. तो इनसे पुरानी शेप भी आती है, जैसे ये गाड़ी 2013 में आई, 2013 के बाद यही शेप 2018 तक चली. सो 2012 में आई, सॉरी, सो 2012 वाली अगर अभी कार लेते हो, 2012-13 वाली ये कार लेते हो, और 2018 वाली गाड़ियां 22-23 लाख की भी बिकी जा रही हैं, 25 लाख की भी बिकी जा रही है, तो किसी को पता नहीं लगेगा कि आप एक पुरानी कार में हो, बिकॉज इसकी शेप मॉडर्न है. उसके अलावा जो इसकी पिछली 3 सीरीज थी वो आपको 3-4-5-6 लाख में भी मिल जाती है, बट उसका स्टीयरिंग काफी हार्ड था, और BMWs ईजी टू ड्राइव होने में उन्होंने बहुत टाइम लगा. जितने लोग कहते हैं ना यार कि BMWs आर वेरी फन टू ड्राइव, या BMWs के अंदर प्योर जॉय है, मैं आपको बता दूं, जितने भी हार्डकोर ड्राइवर थे ना, द मोमेंट आप एक्चुअली BMW ड्राइव करना शुरू करोगे, बिकॉज एक तो मेरी जैसी जनता तो सारी उम्र इंटरनेट पर गाड़ियों को समझते आई है, तो जबकि रियल एक्सपीरियंस एक्चुअली बहुत डिफरेंट है. तो जब आप
BMW को रियली ड्राइव करोगे तो आपको लगेगा यार कि मेरा हार्ड कोर ड्राइवर होने का मतलब ये है कि मैं बहुत हार्ड स्टेयरिंग चलाऊं, और यू विल रियलाइज कि उसका हार्ड स्टेयरिंग से कोई लेना देना नहीं है। आप बहुत अच्छे ड्राइवर हो सकते हो तो गाड़ी के स्टेयरिंग के प्रिसीजन बहुत ज्यादा मैटर करता है, रादर देन जबरदस्ती इतना ज्यादा वेट डाला हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे बहुत रिसेंटली अभी पता लगा कि BMW X1 है जो लेटेस्ट, उसका भी स्टेयरिंग बहुत ज्यादा हार्ड है, बट इन्होंने जो सेडान्स थी उसका स्टेयरिंग 2011-12 के बाद लाइट करना शुरू कर दिया था, SUVs का उसके बाद भी काफी देर तक हार्ड रहा है। सो 2010 और 11 की जो BMW है उसके बाद अगर आपको BMW 3 सीरीज लेते हो उसका स्टेयरिंग आपको लाइट मिलेगा, 2012 से नीचे वाली का बहुत ज्यादा हार्ड मिलेगा। तो इसका फिर भी इज कंपैरेटिवली वेरी लाइटर, वेरी कंफर्टेबल टू ड्राइव, तो आपको ऐसे नहीं लगेगा यार कि ये अननोविंगली हैवी है, नंबर वन। नंबर टू, वेरी गुड बेबी, नंबर टू, दिस इज अ रियर व्हील ड्राइव कार, सो अगर आपको लगेगा कि यार मैं तो बहुत अच्छी ड्रिफ्ट मार सकता हूँ, तो मेरे को पता लगा 2-3 ड्रिफ्ट मारने के बाद कि इसका ट्रैक्शन कंट्रोल बहुत ज्यादा बीच में आपको तंग करता है, तो ये एक प्रॉस भी है कॉन भी है, इसको थोड़ी देर बाद बताता हूँ। तो ये ट्रैक्शन कंट्रोल के चक्कर में आप अच्छे से ड्रिफ्ट नहीं मार सकते, इसलिए आपके जो पागल वाले सपने हैं उसको छोड़ देना, बट अदर देन दैट दिस कार इज अ रियली फन टू ड्राइव कार, फन टू ड्राइव कार इन अ वे कि अगर आप लाइक देयर इज अ पुश दैट यू गेट व्हेन यू पुश द थ्रॉटल राइट, सो एक पुश है फ्रंट व्हील ड्राइव कार का जो आगे से गाड़ी उठती है, एक पुश है इसका। सो मैं किक डाउन करता हूँ, थोड़ा सा मैं शायद खुद भी हिल गया, बट द पॉइंट इज जब एक रियर व्हील ड्राइव कार आपको किक डाउन देती है, 130, 140, 150, 160, तो एक रियर व्हील ड्राइव जब कार आपको पुश देती है तो आपको रियलाइज हो रहा होगा बहुत शोर आ रहा है गाड़ी में, ये भी आपको आगे बताता हूँ। सो जब एक रियर व्हील ड्राइव बहुत तगड़ा पुश देती है पीछे से तो वो आपको ज्यादा फील होता है बिकॉज वो पीछे से आता है, और फ्रंट वाला उतना ज्यादा फील नहीं होता बिकॉज इट्स काइंड ऑफ लाइक यू आर अंडरस्टैंड राइट, वो आगे एंड है एनी हाउ। सो 320D का ये फायदा है जस्ट लाइक अदर टू कार्स एज वेल कि जितनी छोटी लेवल वाली गाड़ियां उनके अंदर आपको ड्राइविंग फील ज्यादा अच्छी आएगी, तो आपकी ड्राइविंग सीट अगर आपने वो गाड़ियां ड्राइव करनी है फॉर अ लॉन्ग टर्म और ज्यादातर आप खुद ड्राइव करते हो गाड़ियां, उनके लिए वो बहुत अच्छी कार है क्योंकि आपको एक रॉ फीलिंग आती है। इन अदर वर्ड्स आई एम सेइंग कि इन गाड़ियों में लग्जरी वाली फील नहीं आती, इन गाड़ियों के अंदर आपको रॉ इंजन फील आती है, आपको शोर उतना नॉइस मास्किंग नहीं है, आपको विंड नॉइस भी आ रही है, इंजन नॉइस भी आ रही है, तो वो एक जो जहाज वाली एक लग्जरी वाली फील होती है ना यार कि यू फील लाइक अ सोफा ऑन राइड, या आपको लगता है वाह यार मैं कितने लग्जरी से ट्रैवल कर रहा हूँ, वो आपको ये गाड़ी में नहीं आएगी, ना 3 सीरीज में आएगी, ना A4 में आएगी, ना सी क्लास में आएगी, और ये आपको कोई नहीं बोलने वाला, सारे बोलेंगे यार ये ले वो ऐसे वैसे वगैरह, मतलब कोई कभी किसी कार की बेइज्जती तो करता ही नहीं है, बट आई एम टेलिंग यू कि अगर आप 5 सीरीज एक बार चला लो तो आपको ये गाड़ी बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। ऑन द अदर हैंड अगर आप 5 सीरीज को प्योर फन के लिए चलाना चाहते हो तो आपको लगेगा कि 520D बहुत अंडर पावर्ड है। मैं बात कर रहा हूँ जो 2010-11-12 में जो 5 सीरीज आई है जिनको F10 बोलते हैं, 2018 के बाद या 2017-18 में जो 5 सीरीज न्यू फेसलिफ्ट हो गया है उसकी बॉडी थोड़ी लाइट होगी, इंजन की पावर थोड़ी बेटर होगी, उसके अंदर शायद अंडर पावर्ड फीलिंग नहीं आ रही होगी, बट जो दूसरी नॉर्मल 520D है उसमें अंडर पावर्ड फील आती है। तो अगर आपको बहुत मजेदार फीलिंग ड्राइविंग फील लेनी है और आपको होगी मेरे पास बहुत पावर फील हो जब भी मैं रेस दूं और जबरदस्ती पावर निकले, वो 520D आपके लिए गाड़ी नहीं है, आप 530D ले लो या 525D ले लो, उसके अंदर फिर थोड़ी सी पावर ज्यादा है, बट 3 सीरीज या 320D में आपको अंडर पावर्ड बिल्कुल फील नहीं होगा, इट हैज अ लॉट ऑफ पावर बिकॉज इट इज लाइटर, इट इज स्मॉलर, इट इज मोर कॉम्पैक्ट, बट येस इट विल गिव यू दैट फन फीलिंग। नाउ कमिंग टू द नेगेटिव पॉइंट जो मैंने आपको बताया भी थे थोड़े से, थोड़ा पॉजिटिव पहले कवर कर देता हूँ कि मेरे को पता नहीं क्यों ये लगता है कि BMW की जो लेगरूम है वो थोड़ा टाइट होता है, वो ऑडी A4 का भी है, बट कहीं ना कहीं इनकी जो थाई सपोर्ट है ना वो अपनी बड़ी अच्छी लगती है, मतलब ये ना अपनी सीटों की उसमें नहीं कॉम्प्रोमाइज करते, मतलब जो भी बंदा बैठा होगा ना वो बड़े कंफर्टेबली बैठ जाएगा पीछे भी और आगे भी, बट जबकि ऑडी चाहे आपको फीलिंग उतनी ना आए, फीलिंग वो एयरीनेस वाली वो बड़ी वाली ना आए, बट अगर हम ऑडी A4 की बात करें तो ऑडी A4 के अंदर रियर सीट स्पेस टाइट है, इट इज नॉट गुड फॉर सीटिंग पीपल एट द बैक, बट 3 सीरीज में अगर आप किसी को पीछे लेकर जाओगे एटलीस्ट आपको ये नहीं बोलेगा यार कि मैं अनकंफर्टेबल, तो वो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। देन इट इज रियली 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 स्टिफ इवन नाउ, तो पहले वाली गाड़ियां तो बहुत ज्यादा स्टिफ थी, उसके बाद धीरे धीरे BMW अपनी गाड़ियां थोड़ी थोड़ी सॉफ्ट करता रहा बिकॉज उसको रिलाइज हुआ कि इंडिया में काफी ज्यादा पॉपुलेशन है, इंडिया की मार्केट काफी बढ़ रही है, तो धीरे 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 गाड़ियां सॉफ्ट हुई, तो इसके अंदर अभी भी थोड़ा मोटा रबर डला हुआ है, मतलब कि हाई प्रोफाइल टायर्स की अच्छी है, हाई प्रोफाइल नहीं बोलूंगा मैं, प्रोफाइल टायर्स की अच्छी हाई प्रोफाइल ही हुआ वैसे, एनी हाउ मतलब मोटी टायर वॉल है, तो उससे आप गाड़ी को स्टिफ को नॉर्मल कर सकते हो, बट अगर आप इसमें थोड़े लो प्रोफाइल डालोगे तो ठप 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 करके बहुत ज्यादा बजेगी, जबकि नॉर्मल ऑडीज वगैरह नहीं बजती, मर्सिडीज भी फिर भी थोड़ी स्टिफ रहती है, तो इनको आप टायर अगर आप लेते हो तो प्लीज टायर थोड़े टायर बहुत ज्यादा ही रखना, लो प्रोफाइल के चक्कर में अपनी गाड़ी की अपनी पीठ की बैंड मत बजवाना चाहते हो तो योर कॉल योर मनी योर कार योर पीठ, एनी हाउ तो ये एक प्रॉब्लम है कि गाड़ियां बहुत ज्यादा स्टिफ है, उनके स्टिफनेस का फायदा ये है कि सीधी रोड्स पर तो ये बहुत मजे से चलती है, बट आपको इंडिया का एक फन फैक्ट बता देता हूँ कि इंडिया में गाड़ियां एक्चुअली सीधी होती नहीं है, अभी भी आपको सीधी लग रही है बट देखो मैं कैसे बाउंस करता जा रहा हूँ,
क्योंकि ये महान करप्शन वाला देश है, यहाँ पर आपको लगे भी कि गाड़ी सीधी है, सड़क सीधी है, तो भी सीधी नहीं होगी। सम पता नहीं क्यों उन्होंने ये सोचा है कि अगर 120 की स्पीड लिमिट है तो उतनी ही गाड़ी सड़क सीधी बनाओ, उससे आगे मत बनाओ, तो आपको बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो ये एक्सट्रीम स्टिफनेस है जो BMW की, उसका आप एक्चुअली कभी फायदा ज्यादा ले ही नहीं पाते। उसका नुकसान ये है कि जैसे ही थोड़े बहुत खड्डे आते हैं तो इतनी जोर से टक्कर के बजती है, आपकी अलाइनमेंट आउट हो जाती है, या सस्पेंशन में बहुत तगड़ा वियर एंड टियर आता है, तो आपको सस्पेंशन का ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है 3 सीरीज में। नंबर वन। नंबर टू जो अनदर कॉन में बताना चाहता था वो क्या था, मैं भूल गया अभी, यही कि स्टिफ है एंड देन इसमें शोर बहुत ज्यादा है। और जो 5 सीरीज में मैंने आपको बात बताई थी कि यार BMW को आपको ज्यादा रेव करना पड़ता है, तो यस दिस इज ट्रू, आपकी पावर ज्यादा रेव करने में आती है। तो बड़ी बार ना हमारे लोगों को पता लगता है, और ये रिव्यूज वाले तो बताते नहीं है क्योंकि मैं छोटे होते देखता रहता था कंपेरिजन बिटवीन A4 3 सीरीज एंड ये पता नहीं क्या ही, वो इंग्लिश यूज करते थे कि आपको तीनों ही अच्छी लगती थी, बट नाउ आई कैन एक्चुअली फील कि तीनों में क्या डिफरेंस है। तो ऑडीज का ये है कि जब आप ऑडी चलाते हो तो बहुत ईजिली, जब भी आप थोड़ी सी भी रेस दो बड़ी ईजिली पावर पिकअप होती है, उससे आपको एक थोड़ी सी क्या बताऊँ, मतलब द स्टेयरिंग इज रियली लाइट एंड इंजन इज रियली रिफाइंड एंड देन प्यार, मतलब एक पेट्रोल पावर्ड इंजन वाली फील होती है ना, उसका डीजल इंजन की वो पेट्रोल इंजन वाली फील है कि थोड़ी सी भी रेस दोगे ना तो बड़े मजे से आराम से उठता है। तो आपको उस पर जरूरत नहीं लगेगी यार कि मेरे को बहुत ज्यादा रेव करना है, बिकॉज वो थोड़े से बहुत इजीली पावर पिकअप कर लेता है, उनकी टर्बो मैनेजमेंट वैसी है। ऑन द अदर हैंड जो हम कहते हैं BMW और थ्रिल टू ड्राइव, BMW का मजा ही तब आता है जब आप उसको बहुत ज्यादा रेस दो, बट यस इनको रेस देने में मजा बहुत आता है, बिकॉज देन दे गो लाइक, ये ऑडी में नहीं आएगा, ये BMW में आएगा। बट द पॉइंट इज कि इंडिया में जब भी हम 90% गाड़ी चला रहे होते हैं तो हम ऐसे नहीं चला पाते, बट अगर आप एक तभी नॉर्मली 3 सीरीज सारे यंग लड़कों को ज्यादा पसंद आती है, जो यंग बच्चे नई गाड़ी लेना चाहते हैं या तो पहली बार लग्जरी गाड़ी लेना चाहते हैं तो वो सेकंड हैंड 3 सीरीज बहुत इजीली ले लेता है, इसलिए क्योंकि जब आप इसको रैश चलाते हो या ज्यादा रेस देते हो लाइक दिस, उठी देखो थोड़ी देर बाद उठी तो आपको भी पूरा इंजन का शोर आ रहा होगा, बिकॉज यस इट इज नॉट रिफाइंड। और BMW में आपको कम्प्लीटली पता लगता है कि आप डीजल गाड़ी में बैठे हो, ऑडी में अगर आप बैठोगे आपको लगेगा ही नहीं कि ये डीजल कार है, तो ये एक उनकी खास बात है। बट यस BMW में है कि शोर है, सब कुछ है, बट वो रेव का जो एक प्योर इंजन की नॉइस है उसका मजा जरूर आता है, तो वो एक मजा है कि आप थ्रॉटल देते हो पूरी एंड देन पूरा मजा आता रेव करने में, क्योंकि इसकी पावर लेटर इन द एवरेज है। देन अनदर थिंग जो अब मुझे काफी लोग बोलेंगे इस बात के लिए कि सम और दी अदर रीजन आई डोंट नो व्हाई, बट रियर व्हील ड्राइव गाड़ियों का पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि जितने लोगों को एक वो आदत है ना कि ऐसे 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 करके निकालने की, पता नहीं क्यों यार जब मैं इससे हाईवे के अंदर से भी कट काटने लगता हूँ ना, जब मैं अचानक थ्रॉटल देता हूँ तो देयर इज ऑलवेज अ फाइट गोइंग ऑन, और ये मेरे लिए थोड़ा वरीसम है, बिकॉज दिस इज लाइक द 320D, लाइक द स्मॉलेस्ट वेरियंट, स्मॉलेस्ट लीस्ट पावर डीजल इंजन, राइट। बट जितनी और भी रियर व्हील गाड़ियां हैं मैं समझता हूँ जिनके अंदर बहुत ज्यादा पावर है, ये है वो है व्हाटएवर, मतलब उनका ट्रैक्शन कंट्रोल को कितनी मुश्किल होगी यार टू पुट पावर डाउन ऑन द व्हील। यस देयर इज अ पॉइंट वेयर यू वांट टू ड्रिफ्ट एंड आपको मजा आता है यार कि टायर बाहर जाए, बट मैं 99% ऑफ द सिचुएशन में बता रहा हूँ कि जब आप एक्चुअली बहुत प्रिसाइजली गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हो एंड यू नीड मैक्सिमम ग्रिप ऑन द रोड, देन आपको बार बार ये फील होता है यार कि गाड़ी का अभी पीछे से डिस्टेबलाइज हो जाएगी, और ये हो भी जाती है। बहुत बार ऐसे क्या होता है कि जब भी आप रास्ता लाने की कोशिश करते हो तो थोड़े से बम्प्स पे या थोड़ी सी भी गाड़ी जब उधर इधर उधर होती है तो स्टेबलाइजेशन ESP की या स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम की लाइट जल जाती है और वो एक दो सेकंड के लिए ग्रिप लूज कर देता है टायर, मतलब अगर आप अचानक उसको टायर ग्रिप रेस ज्यादा देते हो और गाड़ी आपकी बिल्कुल सीधी नहीं है, थोड़ी सी टेढ़ी है, तो इट्स वेरी इजी फॉर द कार टू लूज ग्रिप मोमेंटली एंड देन चेंज योर होल सिस्टम, चेंज योर होल डायनामिक्स, जिसके कारण आप थोड़ी देर के लिए हिल जाते हो, बिकॉज जो आपने एक पूरी एक प्रिसीजन प्लानिंग करी होती है कि मैं ऐसे ऐसे करके कार निकाल लूंगा, आपकी गाड़ी हिल जाती है एंड दैट लाइक चेंजेस द होल एस्पेक्ट। और कहीं ना कहीं मैं अपने मैकेनिक से डिस्कस कर रहा था तो वो कह रहा था, बिकॉज उसको 10-15 साल हो गए काम करते हुए, कहता भैया मैंने 90% देखा है कि जितने BMW के एक्सीडेंट भी होते हैं, कहता जो लोग अचानक रैश चलाने की कोशिश करते हैं, कहता और वो इतने अंडरस्टैंडिंग है, इतने सेंसिटिव नहीं होते, जो मैक्सिमम लोग नहीं होते हमारे इंडिया में, क्योंकि ड्राइविंग को सीखता था नहीं, तो कहता उनके मैक्सिमम एक्सीडेंट इसलिए होते हैं, कहता बिकॉज जब वो रैश चलाने लगते हैं कहता गाड़ी उनकी स्टेबलाइज नहीं होती, वो टिकती नहीं है। That is why I tell you that always buy all-wheel drive cars. I am not saying that front-wheel drive cars are really good. उनके अंदर भी एक अंडरस्टीयर की प्रॉब्लम होती है, बट एटलीस्ट कॉर्नर, मतलब शहर में ऐसे ऐसे करके चलाने में या रैश चलाने में उनको इतनी दिक्कत नहीं होती, बट येस ऑल व्हील ड्राइव इज द बेस्ट सेटअप। तो इवन इफ यू गेट कैन गेट योर हैंड्स ऑन एन ऑल व्हील ड्राइव सेडान और अ क्वाट्रो सेडान, नथिंग लाइक इट, द बेस्ट हैंडलिंग, द बेस्ट कंट्रोल वही देती है। तभी अगर आपको SUV भी लेनी है आप ऑल व्हील ड्राइव लो, उसमें मजा ही हो रहा है।
Q7 तक इतनी बड़ी गाड़ी में डायनामिक मोड पर करके, मतलब उसकी थोड़ी सस्पेंशन टाइट करके ऑल व्हील ड्राइव में हाईवे पे इतनी अच्छी कार्विंग कर पा रहा था, जो हैचबैक में हम अगले तो ना ऐसे ऐसे जाने वाले, वो एसयूवी में भी हो जाता है अगर आपकी गाड़ी ऑल टाइम ऑल व्हील ड्राइव है। बट सो दीज आर द थिंग्स, लेट मी शो यू सम गुड मूव्स। अब मैं देखो ज़्यादा बड़ी ज़्यादा रेस नहीं दे पा रहा हूँ, मेरे को आप डर लग रहा है यार कि पावर ना मुझे लूज कर दे, तो मैं प्यार से चला रहा हूँ। बट जो BMW की बहुत तगड़ी इंजीनियरिंग वाली चीज़ है जो वो बहुत एडवर्टाइज करते हैं, दैट 50-50 वेट डिस्ट्रीब्यूशन। सो आपको इतनी बड़ी कार भी कहीं ना कहीं एक गो कार्ट की तरह लगती है, आप कट काटते हो पीछे से पूरी गाड़ी मूव करती है, तो आपको पूरा पीछे से रिस्पॉन्स आता है, यू कैन एक्चुअली फील द चेसी एंड यू कैन बी वन पार्ट ऑफ द होल कार। बट ये आप थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल पे करोगे तो और रिस्की हो जाता है, फॉर द रीजन दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। सो अदर देन दैट द फीलिंग ऑफ ड्राइविंग, मतलब कह सकता हूँ मैं आपको, वो रॉ फील है ना वो आती है ज्यादा। बट मेरे हिसाब से जैसे मेरी पर्सनल लाइकिंग है कि मेरे को वो सब कुछ चाहिए बट मैं अपना कंफर्ट नहीं लूज करना चाहता, मैं लग्जरी नहीं लूज करना चाहता। आई वॉन्ट टू बी सिटिंग इन अ लग्जरी सैलून एंड देन आई वॉन्ट दैट लग्जरी कार टू डू ऑल दैट स्टफ। मतलब आई वॉन्ट दैट लग्जरी कार टू बी स्पोर्टी व्हेन आई वॉन्ट इट, आई वॉन्ट दैट लग्जरी कार टू बी ड्रिवन रैश व्हेन आई वॉन्ट इट। बट अगर वो सब कुछ करे विदाउट द लग्जरी एंड विदाउट द कम्फर्ट, देन आई डोंट लाइक इट। सो दैट्स वाई मैं थोड़ा सा नॉट पर्सनल लाइकिंग वाला बनता हूँ। फॉर पीपल हु ऑलवेज वॉन्ट टू ड्राइव रैश एंड हु आर वेरी ओके विद ऑलवेज अ वेरी रॉ एक्सपीरियंस, उनके लिए 3 सीरीज इज अ वेरी गुड कार एंड देन बहुत सस्ती मिल जाती है। सो फॉर देम इट्स अ गुड कार एंड येस यू शुड बाई इट एंड आई थिंक आई हैव गिवन अ कम्प्लीट रिव्यू। और क्या क्या है क्या बताने वाला है, आई थिंक गुड इनफ। बाकी चीज़ें आपको, मतलब ये चीज़ें थी जो मैं फीलिंग के बारे में गाड़ी के बारे में बताना चाहता था। एंड अदर देन दैट आई होप कि दोबारा मिलेंगे। किसी को कोई लग्जरी गाड़ी खरीदनी हो तो प्लीज़ यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द नंबर दैट आई एम राइटिंग बिलो। आई चार्ज अराउंड 25,000 rupees, आई फाइंड द कार ऑफ योर ड्रीम्स इन योर बजट एंड देन ऑब्वियसली आई मेक इट श्योर दैट इट इज़ वेरीफाइड एंड एवरीथिंग। और कुछ गाड़ियाँ जैसे ये जो गाड़ी थी, अब जो गाड़ी ले रहा है उसकी सेकंड लग्जरी कार थी, तो ये हमने सोच के ली थी यार कि इसमें थोड़ा बहुत काम हमें कराना पड़ेगा, तो हमने उस हिसाब से ली थी। बट ऑब्वियसली 90% ऑफ पीपल जिनकी पहली लग्जरी कार है उनके लिए हम थोड़ा और ज्यादा सेफ चलते हैं, लेस ड्रिवन गाड़ी ढूंढते हैं और उनको ऐसी कार सजेस्ट करते हैं जिनमें उनको दूर दूर तक कुछ भी ना कराना पड़े और जिनमें उनको इशू ना आए। तो वो एक अलग लेवल सीन है, ये एक अलग लेवल सीन है। बट नाउ ऑल्सो वी आर एंजॉइंग दिस कार, ये गाड़ी ऑल ओके है, इसमें थोड़ा बहुत काम कराना पड़ा वो सब कुछ हो गया, मेजर सर्विस करानी पड़ी थी एंड दैट इज ऑल डन। नाउ वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ फन विद दिस कार एंड आई होप आई बीन एबल टू टेल यू हाउ द 3 सीरीज एक्चुअली फील्स एंड थैंक यू बाय।